बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रिहा सिहाग ने बूंदी शहर में 3 स्थानों पर चल रहे पीठासीन अधिकारियों व मतदाता दल प्रथम के प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित किया और वीवीपैट ईवीएम के व्यवहारिक प्रशिक्षण की जानकारी ली। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी गंभीरता और गहराई से इस प्रशिक्षण को ग्रहण करेंगे उतना ही श्रेष्ठ निर्वाचन कार्य कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि बूंदी में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि यहां चुनाव में त्रुटियों की गुंजाइश नहीं रहती और इस बार भी आप ये विश्वास दिलाएं जीरो एरर के साथ निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएंगे। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों का मनोबल बढ़ाया और विश्वास दिलाया कि व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार चुनाव करा चुके कार्मिक अपने अनुभवों से नए कार्मिकों को जानकारी देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई प्रशिक्षण नहीं होता। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उनकी मुस्तैदी से ही बूंदी में एक बार फिर शांतिपूर्ण निष्पक्ष और त्रुटिपूर्ण चुनाव की परंपरा कायम रह सकेगी। उन्होंने बार बार जोर देकर कहा कि मॉक पोल बड़ी सावधानीपूर्वक और निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए कराया जाए, इसमें किसी तरह की शंका हो तो पहले से ही दूर कर ली जाए। प्रशिक्षण प्रभारी मुरलीधर प्रतिहार ने भी प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय और पुलिस ऑडिटोरियम में उक्त प्रशिक्षण संचालित है जिसके तहत ईवीएम वीवीपैट पर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें इन मशीनों की कार्यप्रणाली की गहनता से व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहे एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें।